नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उमरेड रोड पर भीषण हादसा, 7 लोगों की जगह पर मौत, तेज रफ्तार टवेरा टिप्पर से भिड़ी। ₹35 लाख की ड्रग्स के साथ बंटी और बबली गिरफ्तार, मुंबई दहिसर पुलिस ने किया कार्रवाई को अंजाम। और शीतकालीन परीक्षाओं के नतीजे की राह तक रहे हैं विद्यार्थी, 2.5 माह का बीता वक्त। अब खबरें विस्तार से। उमरेड रोड पर उमरगांव फाटे के पास एक तेज रफ्तार टवेरा कार टिप्पर से भिड़ गई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक बालिका सहित 3 लोगों के गंभीर जख्मी होने की जानकारी है। यह भीषण दुर्घटना शुक्रवार की रात 10 बजे हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर टवेरा MH 31 4315 में नागपुर से क्रमांक 3 महिलाओं सहित 8 लोग उमरेड रोड से जा रहे थे। इस दौरान एक टिप्पर सड़क पर खड़ा था, लेकिन टवेरा चालक ने टिप्पर को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार टवेरा गाड़ी टिप्पर से भिड़ गई। इस भिड़न में टवेरा के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर उमरेड पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय मगर, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकनीकर, यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक विजय माहुलकर पहुंच गए। यह घटनास्थल हुड़केश्वर थाने के तहत होने से DCP नरुल हसन, DCP ट्रैफिक सारंग आवाड़ भी पुलिस टीम सहित पहुंच गए। वहां से जख्मियों को उपचार के लिए रवाना करने के बाद यातायात सुचारू किया गया। खबर लिखे जाने तक जख्मी बालिका से पूछताछ में मृतकों और जख्मियों के नाम पता नहीं चल सके थे। डीजल के अधिक ज्वलनशील नहीं होने के बाद भी आपली बस के जलने के मामले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। महज 2 महीनों में 3 डीजल बसें जलकर खाक हो गई, पर हर बार शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह बताई गई। मनपा RTO अधिकारियों की शुक्रवार को ही बैठक में इसी मामले पर गहन मंथन हुआ। उसमें तय हुआ कि एक संयुक्त दल बनाकर ऑपरेटरों के डिपो का औचक निरीक्षण कर यह पता लगाया जाए कि डीजल में कहीं मिलावट तो नहीं हो रही। शुक्रवार को RTO रविंद्र भुयार, प्रशासकीय अधिकारी रविंद्र पागे सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आग के कारणों पर चर्चा हुई। इसमें चूहों के बस की वायरिंग के कुतरने, डीजल में अतिरिक्त इथेनॉल व अन्य घटकों के मिलावट, आउटडेटेड हो चुके बसों को लेकर चर्चा हुई। रखरखाव के अभाव में कहीं बसों में आग तो नहीं लग रही, इस पर भी चर्चा हुई। आग लगने की गुत्थी सुलझाने के लिए VNIT के विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। इसमें शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल विभाग के विशेषज्ञों ने मनपा का दौरा कर जानकारी ली। अगले हफ्ते मैकेनिकल विभाग के विशेषज्ञ दौरा कर आग के कारणों का पता लगाकर सुझाव देंगे। परिवहन विभाग के प्रशासकीय अधिकारी पागे ने बताया कि मनपा और RTO का संयुक्त दल बनाया जाएगा। दल डिपो का औचक निरीक्षण करेंगे और डीजल में मिलावट की जांच करेंगे। टीम रखरखाव का भी आकलन करेगी। मुंबई दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में DCP स्क्वाड ने बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है, जो मुंबई में वर्षों से ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे। पुलिस ने इनके पास से 295 ग्राम हीरोइन जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 35,40,000 बताई जा रही है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यह पति पत्नी दहिसर के अंबावाड़ी इलाके में रहते हैं। दोनों ड्रग्स की खेप खरीदकर बेचने का काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी ड्रग्स बेचने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जोन 12 DCP सोमनाथ घारगे को सूचना मिली थी कि दहिसर इलाके में कुछ लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं। सूचना के आधार पर DCP स्क्वाड की ATC टीम ने दहिसर के अंबावाड़ी जंक्शन पुष्प विहार कॉलोनी दहिसर पूर्व छापेमारी की, जिसमें जमीर बाबू मुजावर 37 वर्षीय और फरजाना जमीर मुजावर 31 वर्षीय को हिरासत में लेकर जब जांच पड़ताल की तो इनके घर से 295 ग्राम ड्रग्स हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 35,40,000 है। जांच में यह पता चला कि यह दोनों पति पत्नी है, जो लंबे समय से ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे। इनके ऊपर दहिसर पुलिस ने धारा 8(29) और NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनको न्यायालय ने 11 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। दहिसर पुलिस की जांच में यह पता चला है कि यह दोनों अंबावाड़ी रेलवे पटरी पर सुबह 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक ड्रग्स बेचने का काम करते थे। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि उनके ऊपर कस्तूरबा पुलिस स्टेशन, MHB पुलिस स्टेशन में 7 से ज़्यादा NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज है। दिनांक 5 मई को खबर मिली कि एक घर में ये जो नशीला पदार्थ है वो रखा गया है, तो ये खबर को आगे बढ़ा के एक पथक भेजा था। ये पथक ने वहाँ रेड किया और उनको
वहाँ काफ़ी मात्रा में हेरोइन मिला है, 295 ग्राम हेरोइन है। उसकी जो मार्केट प्राइस है वह है 35 लाख रुपया। तो ये वहाँ के जो दो लोग मिले जिनके पास ये हेरोइन मिला, ये दोनों को अरेस्ट किया है और दहिसर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुनाह नोंद किया है। वो दोनों के नाम है, एक जमीर मुजावर है और दूसरे फरजाना मुजावर, ये दोनों को अभी अरेस्ट किया है। सर, क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ है? इनके पहले इनके ऊपर कोई इस तरह का गुनाह दाखिल है? ये नॉन क्रिमिनल्स है कि इनके खिलाफ़ NDPS के तहत और भी गुनाह दाखिल है और ये एक रिकॉर्ड पे उनका जो है NDPS बहुत सारे क्राइम रजिस्टर्ड है। क्या है, काफ़ी समय से इस तरह से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे सर? काफ़ी समय से कर रहे हैं और इनको इनके पास अभी यानी कि पहले तो कभी गांजा वगैरह भी मिला है, अभी इनके पास हीरोइन मिला है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उन्होंने कहां से लाया और आगे किस तरह से वो सप्लाई कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर में वाहनों के चलते वाहनों में आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में कल अमरावती रोड पर रात करीब 10 बजे एक चलते ट्रक में आग लग गई, जिससे वह ट्रक रास्ते में ही धधक उठा। वक्त रहते ड्राइवर ट्रक रोककर बाहर की ओर निकल गया। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की शीतकालीन परीक्षा 2021 के तहत ली गई। कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के नतीजे अब तक जारी नहीं हो पाए। इन परीक्षाओं को खत्म हुए 2 से 2.5 माह का वक्त बीत गया है। नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा नतीजे घोषित होने में हो रही देरी से विद्यार्थी परेशान है, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर नतीजे जारी करने में देरी क्यों हो रही है, नतीजे कब जारी होंगे। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से काफी गोपनीयता बरती जा रही है। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग से लेकर कुलपति कार्यालय भी खामोश है। शीतकालीन परीक्षाएं कॉलेज स्तर पर हुई थी। कॉलेजों ने परीक्षा लेने व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंक विश्वविद्यालय को भेज दिए, बावजूद इसके नतीजे जारी नहीं किए गए।
जबकि नतीजे 10 से 15 दिन के भीतर घोषित होने चाहिए थे। कोरोना के 2 सालों बाद अब सारे बच्चे घरों में कैद थे, इस कारणवश उनका सबसे अच्छा दोस्त बना मोबाइल। मगर अब मोबाइल की वजह से इन बच्चों में चिड़चिड़ापन दिखने लगा है, जिससे हर माता पिता चिंतित रहते हैं। वर्तमान दौर की बात की जाए तो बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल चलाना और गेमों में वक्त बिताना आम बात हो चुका है, लेकिन जिसका असर सीधा सीधा उनके दिमाग सहित स्वभाव में नजर आ रहा है। बच्चों के जिम्मेदार बताते हैं कि दिन भर अधिक समय मोबाइल में बच्चे बिता रहे हैं, जिसके कारण चिड़चिड़ापन बच्चों में नजर आ रहा है, जिसका असर पढ़ाई के साथ साथ उनके नेचर में भी नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन करके किसी दूसरे काम में मन नहीं लग रहा। कोरोना के चलते पढ़ाई भी एंड्रॉइड मोबाइल में ऑनलाइन चल रही है, लेकिन पढ़ाई कम और गेमों में और बिगर नई नई एप्लीकेशन में बच्चे अपने समय गंवा रहे हैं, जिसका बस माता पिता पर भी नहीं चल पा रहा, जिसके कारण आने वाले समय में इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना बच्चों को पड़ सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर करते हुए उन्हें बाहरी खेलों में व्यस्त करें, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो। IPL 2022 में शनिवार यानी 7 मई को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। वही दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। IPL 2022 में शानदार शुरुआत के बाद राजस्थान रॉयल्स की राह मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स से हारकर मुश्किल हो गई है। अब शनिवार दोपहर के मैच में वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम प्लेऑफ के साथ अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहेगी। VKB न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।